Hey, what's up guys? मेरा नाम है शुभम और आज हमारे पास एक नया गेमिंग हेडसेट सो ये है Zebronic Zeb Build की तरफ से आने वाला RGB गेमिंग हेडफोन सो ये फुली USB गेमिंग हेडफोन है तो आप इसको जो है PC या फिर लैपटॉप में यूज कर सकते हो बट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसको स्मार्टफोन में भी यूज कर सकते हो जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। बाय द वे गाइस ये वाला हेडफोन के अंदर आपको काफी ज्यादा कूल फंक्शन देखने मिल जाते हैं जैसे कि ये आता है Dolby Atmos के साथ और साथ ही में यहाँ पर आपको सराउंडिंग साउंड 7.1 देखने मिल जाता है और ये पूरा हेडफोन गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको 5 मोड्स RGB LED लाइट देखने मिलते हैं जो कि गेमिंग को काफी ज्यादा एक हद तक तो काफी ज्यादा ऊपर लेके जाता है सो ये काफी ज्यादा क्लासिक है। बाय द वे गाइस आज हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू और साथ ही में बात करेंगे इसकी कुछ परफॉर्मेंस के बारे में, गेमिंग टेस्ट करेंगे, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ही ये प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए या फिर स्किप कर देने चाहिए। बाय द वे गाइस अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो मैंने इसको परचेस किया था Amazon से लगभग 2499 रुपीज में। सो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो मुझे काफी ज्यादा महंगी पड़ी है बट इसका जो प्राइस है यहाँ पर 2000 और 2500 में भी मिल जाएगा तो आप लोग जाकर एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। बाय लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइस, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। सो चलते हैं प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स कंटेंट के अंदर से हमें क्या क्या चीज देखने मिल जाता है। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा बॉक्स जैसे कि आपको ये साइड पे देखने मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड पे आपका Zebronic का लोगो देखने मिल जाता है और उसके नीचे गाइस यहाँ पर गेमर्स ड्रीम्स दिया हुआ है। सो गाइस यहाँ पर हमें पूरा का पूरा भड़काया जा रहा है गेमिंग को लेकर, यहाँ पर हमारे अंदर आग लगाई जा रही है। ये साइड पे हमें मिल जाता है Zeb Build की ब्रांडिंग और नीचे गाइस यहाँ पर आपको Dolby Atmos और यहाँ पर 7.1 की सराउंडिंग साउंड देखने मिल जाता है और ये साइड पे आ जाता है गाइस हमारा एक्चुअल डिवाइस जैसे कि इधर आपको देखने मिल जाता है। बात करें गाइस अगर इसके बैक फंक्शंस के बारे में तो यहाँ पर आपको दो कलर्स देखने मिल जाते हैं, व्हाइट और ब्लैक कलर में। तो गाइस यहाँ पर आपको जो परचेस करना होगा आप वो सिंपल सा परचेस कर सकते हो। मेरे को ब्लैक वाला काफी ज्यादा कूल लगा तो मैंने ब्लैक वाला यहाँ पर परचेस कर लिया था। नीचे की साइड पे गाइस यहाँ पर आपको मिल जाता है पावरफुल बेस, RGB LED लाइट देखने मिलता है, गोल्ड प्लेटेड USB और यहाँ पर आपको 2.4 mm की ब्रेडेड केबल देखने मिल जाती है और भी इसके अंदर काफी ज्यादा फंक्शन दिए हुए हैं जिसके बारे में गाइस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर सारे फंक्शन यहीं पर बता दूंगा तो यार वीडियो बनाने का क्या ही मतलब। तो चलते बड़ा से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने फाइनली इसको अनबॉक्स कर लिया है। अंदर साइड से गाइस यहाँ पर हमारा निकल के आ जाता है गेमिंग हेडफोन, इसको करते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। और यहाँ पर हमें मिल जाता है मैनुअल इंस्ट्रक्शन, इसको भी करते हैं साइड में। इसको तो रीड करने की कोई भी जरूरत है नहीं क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो गाइस इसको आप प्लीज मत रीड करना क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा भाई पूरी कोशिश करता है पूरी डिटेल रिव्यू देने के लिए, तो गाइस इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। फाइनली गाइस ये साइड पे आ जाता है हमारा मेन डिवाइस जैसे कि आपको ये साइड पे देखने मिल जाता है। सो गाइस इसकी जो वायर क्वालिटी है ना वो मैं पहले बताना चाहता हूँ गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो आप चाहे ना तो आप बेडरूम में PC रख के और हॉल में इसको यूज कर सकते हो, इतनी बड़ी भाई इसकी वायर क्वालिटी, भाई मजा करो, इतना भी बड़ा नहीं है बट गाइस ठीक ठाक आपको जो इसकी वायर क्वालिटी देखने मिल जाती है। सो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग इसका निकाल लेते हैं प्लास्टिक जो कि ऊपर दे रखा है। सो इसको निकाल लेते हैं। ओ भाई इसको बोलते हैं OP हेडफोन। देखिए यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। सो बाकी बात में बात करते हैं, सब अभी नहीं बताएंगे। सो भाई काफी ज्यादा क्लासिक है, मैं पहले बताना चाहता हूँ इसके जो इंप्रेशन है ना गाइस आग लगा देने वाले। अगर आप एक स्ट्रीमर हो, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो ना गाइस तो ये मेरे को लगता है आप यूज कर लो गाइस, काफी ज्यादा यहाँ पर क्लासिक है और बेस्ट है आपके लिए, तो बहुत ज्यादा बेस्ट है अगर आप एक गेमर हो। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग में तो गाइस ये आग लगा देगा, बहुत ही ज्यादा क्लासिक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली तुम्हारे भाई ने इसकी रिव्यू दे दी कि भाई ये आगे तूफान है आंधी है, सारे चीज मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दी थी। तो भाई वापस से पीछे आते हैं, बात करते हैं इसकी फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में कि ये हेडफोन दिखने में कैसा है। सो यहाँ पर इसकी जो बॉडी है ना गाइस फुली हमें ब्लैक की मिल जाती है, व्हाइट में भी अवेलेबल है तो आप व्हाइट वाला ले लेना जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर आपको जो पूरी बॉडी है ना ब्लैक में मिल जाती है। बैक साइड पे गाइस यहाँ पर आपको RGB लाइट देखने मिल जाता है, सो अभी ऑन नहीं किया हुआ है वो मैं आपको वीडियो में ऑन करके बता दूंगा। ऊपर की साइड पे गाइस यहाँ पर हमें Zebronic की बॉडी ब्रांडिंग देखने मिल जाती है और भी इसके अंदर आपको काफी अच्छे खासे लुक देखने मिल जाते हैं जैसे कि इधर आपको देखने मिल जाते हैं। बात करें इसकी कुछ बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो यहाँ पर हम लोग पहला बात करने वाले इसके USB को लेकर। तो यहाँ पर जो इसके USB केबल है ना वहां पर आपको गोल्ड प्लेटेड कलर देखने मिल जाता है जो कि और भी काफी ज्यादा क्लासिक है, यहाँ पर आपको गोल्ड प्लेटेड देखने मिल जाता है। बात करें इसकी वायर क्वालिटी के बारे में तो गाइस यहाँ पर वायर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़िया दे रखी है, यहाँ पर आपको मिल जाता है 2.4 की ब्रेडेड केबल जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर मटेरियल यूज किया।
दिया हुआ है। गाइस आप इसको जितना भी खींचोगे ये टूटने वाला है नहीं, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल काफी बढ़िया तरीके से यूज किया हुआ है। ये मुझे गाइस और भी ज्यादा सही लगा, जब आप गेमिंग पीसी वीसी पे कभी भी आप गेमिंग करते हो तो यहाँ पर जो वायर है कभी कुर्सी के नीचे आ जाता है, कभी और मतलब टेबल के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर वायर डैमेज होने का चांसेस होता है। बट इसके अंदर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, आप विदाउट एनी टेंशन के आप इसको इजीली प्ले कर सकते हो और इसकी जो क्वालिटी है गाइस बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिल जाती है। बात करें इसके कुछ कंट्रोल फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको Zebroni की ब्रांडिंग मिल जाती है। बैक साइड पे गाइस यहाँ पर आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए ऑप्शन मिलता है, और ये साइड पे आपको दो बटन देखने मिल जाते हैं, एक RGB के लिए दिया हुआ है और एक आपको माइक्रोफोन के लिए देखने मिल जाता है। अगर आपको माइक्रोफोन ऑन ऑफ करना है तो आप सिंपल से उसको क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हो, अगर आपको RGB लाइट ऑन ऑफ करना है तो आप उसको क्लिक करके सिंपल से RGB लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। गाइज अब बात करते हैं फाइनली हमारे मेन डिवाइस को लेके, जिसके लिए मैंने आपको बहुत रुकाया। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा मेन डिवाइस। बात करते हैं इसकी पहली बिल्ड क्वालिटी, तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है ये यहाँ की जो बॉडी है वो हमें प्लास्टिक की मिल जाती है दोनों साइड पे। यहाँ पर हमें Zebroni की ब्रांडिंग दे रखी है और यहाँ पर RGB लाइट का भी फंक्शन दिया हुआ है, जिसको मैं अभी ऑन करके आपको बताने वाला हूँ। ऊपर की साइड पे गाइस यहाँ पर हमें मेटल की बॉडी देखने मिल जाती है। बात करें इसके कुछ ईयर कप्स के बारे में, तो यहाँ पर इसका जो ईयर कप्स है ना गाइस काफी ज्यादा ऑसम दे रखा है। आप इसको मैक्स टू मैक्स 3-4 घंटे आप इसको यूज कर सकते हो, आपका ईयर थोड़ा सा भी पेन करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके ईयर कप्स काफी ज्यादा स्मूथ है और काफी लाइट वेट है। गाइस ये हेडफोन है ना काफी ज्यादा लाइट वेट है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दूसरे कभी हेडफोन पहनते हो तो उसके जो वेट के कारण आप कभी कभी पेन करने लगते हैं, बट इसके अंदर ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं है। आप इसको जो है मैक्स टू मैक्स 3-4 घंटे तो गाइस नॉर्मली आप इसको यूज कर सकते हो, बाकी यहाँ पर जो है 3-4 घंटे तो बहुत हो गए गेमिंग के लिए, बट यहाँ पर आप सिंपल सा यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा क्लासिक है। अभी जब मैंने इसको पहन रखा है सराउंडिंग में गाइस लिटरली सराउंडिंग में क्या रहा है वो आपको थोड़ा भी नहीं मालूम पड़ने वाला है, इतनी अच्छी खासी इसकी कंफर्टेबल है। और इसके ईयर कप्स गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं रियल में बता रहा हूँ, इसके ईयर कप्स के बारे में जितना बोलो उतना ज्यादा कम है। और ये साइड पे आपको मिल जाता है इसका हेयरबैंड, सो यहाँ पर इसके हेयरबैंड मटेरियल भी गाइस काफी अधिक सही है। फ्लेक्सिबिलिटी गाइस यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, काफी ज्यादा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही है। और गेमिंग हेडफोन है ना गाइस, दो चीज तो गेमिंग हेडफोन में होनी चाहिए, पहली बात तो उसका कंफर्टेबल और दूसरा उसके अंदर RGB लाइट, जो कि इसके अंदर भर भर के दिए हुए। ठीक है, अभी RGB लाइट मैंने यूज नहीं किया, बट आपको मैं अभी इसके अंदर RGB लाइट भी यूज करके दिखाने वाला हूँ। ये साइड पे गाइस हमें मिल जाता है लेफ्ट और राइट की ब्रांडिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और मुझे लगता है कि यही वाले हेडफोन में जो है आपको राइट और लेफ्ट का ही ऑप्शन देखने मिलता है, बाकी सब में भी देखने मिलता है, बट वो कहाँ छुपे होते हैं मुझे नहीं मालूम। बट यहाँ पर आपको जो है सिंपल से सामने ही देखने मिल जाता है लेफ्ट और राइट का बटन, जो कि बहुत इजी होता है इजीली पहचानने के लिए और आप इसको इजीली यूज भी कर सकते हो। इस साइड पे आपको मिल जाता है Zeb Blitz की ब्रांडिंग, दोनों साइड पे गाइस यहाँ पर हमें Zeb Blitz की ब्रांडिंग दी हुई है। ऑल ओवर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी गाइस यहाँ पर आपको काफी बढ़िया देखने मिल जाता है। और ये साइड पे आपको मिल जाता है माइक्रोफोन, जो कि फुल्ली 360 रोटेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आप जितना भी रोटेट करोगे ये डैमेज होने वाला नहीं है, और इसकी काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी खासी क्वालिटी देखने मिल जाती है। बाकी आगे बात करेंगे इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी, वो भी मैं आपको अभी चेक करके बताने वाला हूँ। बाय द वे अब बात करते हैं इसके RGB लाइट के बारे में, तो इसको फटाफट से ऑन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली इसकी RGB लाइट ऑन कर लिया, जैसे कि इधर आपको देखने मिलता होगा ये दोनों साइड पे गाइस यहाँ पर RGB लाइट ऑन हो चुका है। इसके अंदर गाइस हमें मिल जाता है 5 मोड्स RGB लाइट, यहाँ पर भर भर के RGB लाइट यूज किए हुए, और आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है जब आप इसको लाइट बंद करने वाले हो ना, यहाँ पर आपको इसकी ओरिजिनल लाइट देखने मिलती होगी, कुछ इस टाइप से देखने मिलता होगा, ज्यादा ब्लिंक भी नहीं है और काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपको इसकी RGB लाइट देखने मिल जाती है। सो गाइस जब आप इसको पहनोगे तो कुछ इस टाइप से आपको जो इसकी RGB लाइट देखने मिलेगा, कुछ इस टाइप से आपको जो इसके लुक देखने मिलेंगे। सो गाइस ये मुझे यार काफी ज्यादा सही लगा है RGB लाइट को लेके, जबकि आपको इस हेडफोन में 15mm के ड्राइवर्स देखने मिल जाते हैं। सो गाइस की साउंड और बेस क्वालिटी काफी ज्यादा ऑसम होनी चाहिए, आई थिंक होगी, तो भी टेस्ट करने के बाद यहाँ पर मालूम पड़ने वाला है। तो चलते फटाफट से गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते, तो यहाँ पर मैंने अपना स्मार्टफोन ले लिया है, फटाफट से गेमिंग टेस्ट करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये गेमिंग हेडफोन पीसी के लिए बना हुआ है तो आप फोन में कैसे यूज कर रहे हो, तो गाइस अगर आप भी इसको फोन में यूज कर सकते हो, आपके पास सिंपल सा होना चाहिए OTG, तो यहाँ पर हर कोई इस हेडफोन पे जो है पीसी पर ही गेमिंग करके बता रहा है, स्मार्टफोन में किसी ने भी नहीं बताया, तो सोचा क्यों ना चल के मैं यूनिक कर लेता हूँ, फोन में इसको यूज करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है OTG, तो यहाँ पर जो इसकी OTG को इसके अंदर डाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने OTG डाल लिया है। अब इसकी RGB लाइट गाइस यहाँ पर बंद होने वाली है, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन में इसको यूज कर रहे हो तो RGB लाइट ऑफ करना होगा, ये RGB लाइट सिर्फ और सिर्फ पीसी में ही चलने वाला है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने मिलता होगा इसका RGB लाइट जो है यहाँ पर ऑफ हो चुका है, सो चलते फटाफट से इसको पहनते और यहाँ पर इसको जो है अपने स्मार्टफोन में इसको इजीली डाल लेते, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिलता है इसको जो हम लोगों ने फाइनली अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट कर लिया। सो चलते फटाफट से इसकी गेमिंग टेस्ट कर लेते और देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है।
सो फ्रेंड्स ये थी इसकी साउंड क्वालिटी और गेमिंग परफॉर्मेंस जैसे कि अभी आपने देखा। सो गाइस यहाँ पर आप एक ही बोल सकते हो ओपी परफॉर्मेंस गाइस, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़िया यूज किया हुआ था। सो ये वाला हेडफोन तो बना है पीसी के लिए पर यहाँ पर स्मार्टफोन में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो पीसी में तो गाइस और भी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक देखने मिल जाएगा। तो गाइस अगर बात करें इसके माइक क्वालिटी के बारे में तो यहाँ से इसका माइक ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी माइक क्वालिटी ऑन कर दी है। सो गाइस अभी की जो यहाँ पर वॉइस आ रही है वो आ रही है ये वाले हेडफोन के माइक से। सो मुझे नहीं मालूम इसकी माइक क्वालिटी कैसी होने वाली है, बट आप लोग सुन रहे तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। बाय द वे गाइस मुझे एडिटिंग के टाइम में मालूम पड़ेगा कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। सो फ्रेंड्स ये थी इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी जैसे कि अभी आपने देखा। सो जब मैंने इसको एडिटिंग के टाइम पे देखा तो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी वॉइस कम थी, मतलब यहाँ पर जो उसका साउंड था थोड़ा सा कम था, बट यहाँ पर आपको क्लियर साउंड देखने मिला होगा। इसके अंदर आपको दो कलर्स ऑप्शनेबल देखने मिलते हैं व्हाइट और ब्लैक में। तो व्हाइट वाले में प्रॉब्लम है जब आप इसको पहनोगे तो 5-6 मिनट के लिए तो आप यूज नहीं करने वाले हो, 3-4 घंटे के लिए जब आप इसको यूज करोगे आपके जब पसीने आएंगे तो उस पर जो इसके धब्बे पड़ जाएंगे तो उससे जो है हेडफोन्स के लुक थोड़े से खराब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने परचेस किया था ब्लैक वाला। आप लोग को जो पसंद आता है आप सिंपल सा बाय लिंक में जाकर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हो। सो गाइस काफी अच्छा खासा ये वाला हेडफोन है और मैं इसको अभी भी परचेस किया है, मैं इसको यूज काफी टाइम से नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी इसको परचेस किया है और ये अभी एमेजोन पे आ गया है। सो अगर आपको खरीदना तो आप जाकर इसको डेफिनेटली परचेस कर लेना। सो गाइस आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा सही लगी होगी। सो करते हैं वीडियो इधर ही स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।